ब्लॉग्स विद मायरा और आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें बनाने जा रही हूँ मैं लौकी के कोफ्ते। और लौकी के कोफ्ते मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फिर यहाँ पर लिया है मैंने बेसन और लौकी को मैंने कर दिया है कद्दूकस, बारीक बारीक कद्दूकस किया है और यहाँ पर मैंने बेसन भी थोड़ा सा डाल दिया है। तो इन दोनों को मिक्सर को हम आराम से हिला देंगे अच्छे से, और जब भी आप लौकी को कद्दूकस करें तो उसे अच्छे से टाइट से निचोड़ दें और उसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको एक अलग से बाउल में रख दें, वो भी सब्ज़ी में बाद में काम आता है। तो चलिए फिर यहाँ पे डालते हैं हम नमक, जितना आपको नमक लेना है अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा वो आप पर निर्भर करता है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है लाल मिर्च, तो इन दोनों को मैं अच्छे से मिला दूँगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़े से अजवाइन भी डाल दिए थे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल गरम करने के लिए और तेल मेरा गरम हो चुका है, तो इसको अब अपने हाथों की सहायता से थोड़ा शेप दे दीजिए। चाहे तो आप इसे गोल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे थोड़ा थोड़ा चौड़ाई के हिसाब से इसे ऐसा शेप दिया है, तो आपको जैसा आता है आप वैसे कीजिए। तो ये देखिए मैंने हाथों की सहायता से इसे चौड़े चौड़े कर दिए हैं, तेल भी मेरा गर्म हो चुका था, और इनको वन बाय वन करके इस तरह से डाल दीजिए। अब हम इन्हें पलटेंगे। तो गैस का जो फ्लेम है आप हमेशा मीडियम ही रखिए, ऐसे में नहीं तो लौकी के जो कोफ्ते हैं वो बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर तक पकते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है मीडियम और इसे हल्की आंच में पकने दीजिए। तो ये देखिए एक मैंने निकाल दिया है, इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे डाल दिए हैं। और ये देखिए जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इनको फिर अपनी प्लेट में निकाल दीजिए। लौकी के कोफ्ते देखने में जितने टेस्टी होते हैं खाने में भी उतने ही लजीज होते हैं, बस इसको बनाना आना चाहिए सही तरीके से। तो ये मैंने निकाल दिए हैं प्लेट में, चाहे आप इन्हें चाय के साथ इस तरह भी खा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे के सारे ये तल के मैंने एक प्लेट में रख दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है, तेल को मैंने गर्म होने के लिए अच्छे से रख दिया है, जब तक तेल गर्म होता है तब तक चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने यहाँ पर टमाटर को मिक्सर में ग्राइंडर कर लिया था और प्याज मैंने दो प्याज कट कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का और लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है और ये लौकी का पानी है जो मैंने बचाया हुआ है, तो ये सब के सब इसमें पड़ेंगे। ये देखिए तेल गरम हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मैंने डाला है जाख्या और इसको चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें जो हमने दो प्याज काटे थे बारीक बारीक से उनको हम डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से हिला देंगे और इसको हमने ब्राउन होने तक भूनना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और जो लहसुन का हमने पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया है, और इसके बाद मैंने डाला है इसमें टमाटर। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, इसको अच्छे से हमने भूनने देना है। ये देखिए ये अच्छे से भून चुका है, इसमें उबाल भी आ चुका है, तो अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। आप चाहे तो मिक्स मसाले का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे अलग अलग मसाले का। मैंने यहाँ पे मिक्स मसाला लिया है जिसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, जीरा पाउडर सब कुछ मिला हुआ रहता है, तो मैंने ये डाल दिया है। नमक भी मैंने डाल दिया है अपने स्वाद के अनुसार जितना मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक डेढ़ चम्मच नमक डाला है और मैंने मसाला डाल दिया था इसमें डेढ़ चम्मच के लगभग। अब हम इसको अच्छे से हिलाएँगे और इनको अच्छे से पकने देंगे। जब ये हमारे पक चुके हैं तो इसमें मैंने डाल दिया है ये लौकी का पानी, तो आप देख सकते हैं लौकी का पानी भी हमारा वेस्ट नहीं जाता है, काम ही आता है सब्जी में। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि ये अच्छा सा बन जाए पतला सा। तो ये मैंने पानी भी ऐड कर दिया है, तो पानी आपको ज़्यादा नहीं करना है और इसे ढक्कन मार के आप पकने के लिए रख दें। तो ये देखिए इसमें आ चुका है उबाल और अच्छे से इसमें मसाले जो हैं वो हमारे भुन चुके थे, पक चुके थे, तो हमने इसमें कोफ्ते डाल दिए हैं और कोफ्तों को भी अब्जॉर्ब होने देंगे ताकि पानी पूरा का पूरा इसमें घुस जाए। तो ये देखिए उबाल आ चुका है इसमें और पानी अच्छे से इसमें पूरा घुस चुका है और हमारे कोफ्ते भी अच्छे से बन चुके हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी।